नमस्ते दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आपकी स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं ग्रास कार्प मछली का फिश फीडिंग के बारे में एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने ग्रास कार्प मछली का फिश फीड बनाने का कुछ तरीका बताया था। उसमें से एक तरीका था जो है गोभी का पत्ता, उसको इस्तेमाल करके किस तरह से फिश फीड तैयार किया जाता है उसके बारे में पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया था। और उस दौरान मैंने बताया था जितना सारा टेक्निक है एक एक करके सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा, आगे जाके फिश फार्मिंग में आपको मदद मिलेगा और ग्रास कार्प मछली को बहुत आसानी से आप फार्मिंग कर सकते हैं। तो आज की उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो इसमें मैं केले का पत्ता के इस्तेमाल करके फिश फीड तैयार करके आपको दिखाऊंगा। अगर आप मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें गोभी का पत्ता इस्तेमाल करके मैं किस तरह से फिश फीड बनाता हूँ पूरा डिटेल्स उसमें बताया हूँ। आप चाहे तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका थंबनेल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा वो थंबनेल, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं और ये वीडियो खत्म होने के बाद इन स्क्रीन में शो भी हो जाएगा, जहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक में की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें केले के पत्ता का इस्तेमाल करके मैं किस तरह से फिश फीड बनाता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, इस तरह का फिश फीड बनाने के लिए हमें केले का पत्ता का ज़रूरत होगा। तो हम सबसे पहले केले का पत्ता लेंगे और इसको अच्छे से निकाल लेंगे। ये इसका जो ठेली है वो अलग हो जाएगा और पत्ता अलग हो जाएगा। इसके बाद इसको छोटे छोटे हिस्सों में काटना होगा। इसको भी दो तरह से आप अपना पॉन्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और दूसरा है छोटा छोटा हिस्सों में बना के फिश फीड के साथ मिक्सचर करके आप ग्रास कार्प मछली को खिला सकते हैं। तो दोनों तरीका मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसको छोटा छोटा टुकड़ों में बांट लेते हैं, फिर इसको मैं फिश फीड के साथ मिलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, केले के पत्ते को मैं छोटे छोटे साइजों में काट लिया हूँ। आप अपना मछली का हिसाब से इसको काट सकते हैं। बड़ा साइज का मछली है तो साइज थोड़ा बड़ा रखना है, छोटा साइज का मछली है तो उसमें साइज थोड़ा छोटा छोटा कर लेना। फिर भी मैं जब इसको मिक्सचर करूँगा तो ये और छोटा छोटा हो जाएगा। दोस्तों, ये छोटा छोटा कटा हुआ केले का पत्ता को मैं मशीन में डाल दिया हूँ और इसमें और कुछ सामान का मिक्सचर करूँगा। इसके बाद इस फिश फीड बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा। आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ से ही इसको मिक्सचर कर सकते हैं। तो इसमें मिक्सचर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत होता है। सबसे पहले मैं इसमें मोलासेस का इस्तेमाल करूँगा, यानी चीटा गुड़। इसके बाद मैं और कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा जो पहले से बना के रखा। तो इसमें सरसों का खली है, भुट्टा है, सोया मिल डस्ट है, इस तरह का कुछ चीज़ मिला के इस फीड को मैं पहले से तैयार करके रखा हूँ तो इसको डाल देता हूँ। इसके बाद इसमें मिलाएंगे जो वो है राइस ब्रान या राइस पॉलिश। हर एक फिश फीड में राइस पॉलिश का ज़रूरत होता है, आप देखते होंगे, तो इसको मिलाएंगे। ये जो फिश फीड मैंने पहले से बना के रखा था इसके बारे में भी आप जानना चाहते होंगे तो वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूँगा कितना परसेंट कौन कौन सा चीज़ें मिला के आप मैं इस फिश फीड को तैयार किया था जो केले के पत्ते के साथ मिक्सचर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो फिश फीड है कितना उम्र का मछलियाँ खा सकती है, तो ये लगभग 150 से लेकर 200 ग्राम से स्टार्टिंग होगी और इसके ऊपर जितना साइज बड़ी साइज का मछलियाँ है उतना बड़ी साइज मछलियाँ इस तरह का फिश फीड को खा सकती है। दोस्तों, ये इस फिश फीड को कितना परसेंट से बनाया जाता है, तो ग्रास कार्प मछली का बॉडी वेट का 1.5 से लेकर 2% हिसाब से इस मछली को फिश फीड को तैयार किया जाता है। और केले का पत्ता को जो आप देंगे वो अपना हिसाब से दे देना, आपका पॉन्ड में किस तरह का मछली है, कितना संख्या में मछलियाँ है, उसी हिसाब से आप केले का पत्ता को दे सकते हैं। ये मछलियाँ केले का पत्ता खा पा रही है या कम खा पा रही है, ज़्यादा खा पा रही है, इस चीज़ को आपको देखते रहना होगा। तो उसी हिसाब से आप केले के पत्ता में को मिला के आपका जो ये फिश फीड है उसको तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कोई साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जितना जानकारी होता है उतना बता देता हूँ। मैं आप जैसा ही हूँ, आप जिस तरह से मछली को पालन करते हैं मैं भी करता हूँ, तो जानकारी जितना होता है मैं देने का कोशिश करता हूँ। केले के पत्ता में और कुछ चीज़ें हैं जो मछली के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, जैसे कि इसमें क्लोरोफिन नाम का कुछ रहता है जो पेट के अंदर घाव वगैरह अगर मछली में हो जाए तो इसको ठीक करने में काफ़ी मदद करता है या रोक देता है। इसके बाद ये केले के पत्ता में ऐसे कुछ चीज़ है जो स्किन में डिजीज़ नहीं होने देता है, तो उसका मछलियाँ बहुत ही कम बीमार होगी, उसका बाहर की तरफ घाव वगैरह कम देखने को मिलेगा ये अगर केले के पत्ता रस खाती है। इसके बाद केले के पत्ता में जो हरा वाला रस होता है वो मछली का बॉडी में जो खून होता है उसको साफ रखने में मदद करता है। इसके बाद ये जो इसका रस हजमी का भी काम करता है, इसीलिए आप जब भी देखेंगे ग्रास कार्प मछलियाँ केले के पत्ता खाती है तो वो हकती भी है बहुत ज़्यादा है, तो हमें गोल गोल पाइप जैसा पॉन्ड के ऊपर तैरता हुआ दिखता है।
होता है, इसका मतलब इसका जो हजमी का काम है वो बहुत अच्छा से होता है और पेट बिल्कुल ही साफ कर देता है और मछली का खाने का टेंडेंसी बढ़ता है और जब भी मछलियाँ ज़्यादा खाएगी तो उसमें ग्रोथ भी ज़्यादा होगा, ये तो तय है। इसके अलावा भी केले के पत्ता में साइट्रिक एसिड, कैल्शियम, कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, इस तरह का बहुत सारी चीज़ हमें देखने को मिलता है जो मछली के लिए फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों ये फिश फीड को आप दो तरह से अपना पॉन्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है डायरेक्ट फीडिंग और दूसरा है नेट फीडिंग। तो दोनों का जो तरीका है वो मैं पहले वाला वीडियो में दिखा दिया हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को देख के इसको देने का तरीका आप देख जान सकते हैं। दोस्तों मैं हमेशा बॉल फीडिंग क्यों कराता हूँ मेरे वीडियो में, इस तरह से आप वीडियो देखते होंगे, तो मेरे पास ब्रूडर मछलियाँ है जो मैं एचडी चलाता हूँ, तो उसके लिए ब्रूडर का ज़रूरत होता है। तो लगभग मिनिमम 3 किलो से लेके 10 किलो, 8 किलो, 14 किलो तक की मछलियाँ हैं। तो उस दौरान मुझे छोटा छोटा साइज़ का फ़िश फीडिंग नहीं कराना होता है, मुझे बड़ा साइज़ का फ़िश फीडिंग कराना होता है, क्योंकि इस मछली का मुँह का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और बहुत जल्दी ये फ़िश फीड खाती है। तो उस दौरान मैं बॉल फीडिंग कराता हूँ जिससे ये मछलियाँ जल्दी खाना खा पाए और ज़्यादा वेस्टेज भी ना हो। तो इसके बारे में भी मेरे चैनल पे वीडियो है जिसमें मैंने बताया छोटा छोटा मछली को किस तरह का खाना देना चाहिए, बड़ा मछली को किस तरह से खाना देना चाहिए, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और एक चीज़ छोटा सा बता दूँ, यहाँ पे जो सबटाइटल लिख के आता है दोस्तों, ये मैं लिखता नहीं हूँ, ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, इसमें बहुत सारा गलत वर्ड भी आता है तो आप समझ जाना ये मैं लिखता नहीं हूँ, तो नेचुरली हो जाता है और मैं जो बोल देता हूँ उससे ही काम चल जाएगा। तो दोस्तों मैंने जो बोला था बॉल फीडिंग किस तरह से मछलियाँ खाती है, तो इस तरह से मैं इसमें नेट में डालता हूँ, तो ये नेट फीडिंग होता है। और ये केले के पत्ते को आप इस सीधा भी अपना पॉन्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर इसे फेंक देते हैं तो भी मछलियाँ खाती है, अगर आपका पॉन्ड में बड़ा साइज़ का मछलियाँ है तो ये केले के पत्ते को आप सीधा अपना पॉन्ड में इस तरह से दे सकते हैं और फिश फीड को अलग से दे सकते हैं, तो उसमें भी मछलियाँ खा जाएगी। और आपका पॉन्ड में छोटा साइज़ का मछलियाँ है तो उसके लिए दूसरा तरकीब का इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, हो सके तो इसको शेयर भी कर देना। तो दोस्तों छोटा अगर मछली आपका पॉन्ड में है, जैसे कि 200-300 ग्राम साइज़ का मछली है, उस दौरान ये मछलियाँ पत्ते को फाड़ फाड़ के खाने में दिक्कत कर सकती है, उन्हें तकलीफ होता है, तो उस दौरान आप दूसरा चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बड़े मछलियाँ खा जाएगी आराम से, लेकिन छोटी छोटी मछली के लिए आप जो चीज़ करेंगे, ये केले को पत्ते को छोटा छोटा हिस्सों में काट के अपना पॉन्ड में इस तरह से तैयार सकते हैं, जिससे ये मछलियाँ बहुत आसानी से खा सकती है। तो दोस्तों वीडियो जब मैं स्टार्ट किया था तब एक फिश फीड बनाया था जिसमें केले का पत्ता का मिक्सचर किया था, उस दौरान मैंने बताया था आपको इसको बनाने का तरीका बता दूंगा। तो दोस्तों ये तरीका जो है मैं पहले ही कई वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपके लिए इस लिस्ट को फिर से दिखा दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं इस फिश फीड बनाने का पूरा तरीका देखने के लिए, पूरा डिटेल से जानने के लिए, तो उस वीडियो को देखना होगा जिसमें मैं IMC के लिए फिश फीड बनाने का एक तरीका बताया था, तो इसका लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो लिस्ट है इसके द्वारा आप 23% का प्रोटीन फिश फीड बना सकते हैं बहुत आसानी से, आप खुद ही बना सकते हैं, इस सामान का इस्तेमाल करना, इतना परसेंट से इस्तेमाल करके इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।